सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज, होप यू गाइस आर फाइन। तो आज हम बात करेंगे हिकविजन के DVR को कैसे आपने ऑनलाइन करना है। देखिए, इसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने हिकविजन के DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। जो मेनली प्रोसीजर है, जैसे आपका सबसे पहले है डायनेमिक IP के थ्रू। अगर आपके पास डायनेमिक IP है तो DHCP एनेबल करके आप अपने DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्टैटिक IP। स्टैटिक IP के थ्रू आप अपने DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू। उसके बाद आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के थ्रू भी आप अपने DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है DDNS के थ्रू, तो उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखना है कि मोस्ट रिलायबल स्टेप कौन सा है, कि जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और एक बार कर दिया हमने ऑनलाइन अपने डिवाइस को तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिले। तो गाइज, इन चारों मेथड को हम वन बाय वन यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए मोस्ट रिलायबल मेथड है। तो जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे वो है डायनेमिक IP के थ्रू अपने DVR को ऑनलाइन करना। तो DHCP को अनेबल करके हम उसको ऑनलाइन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक IP। तो लेट्स सी, और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ऑनलाइन करने के लिए हमें चाहिए एक राउटर। तो ये देखिए, हमारे पास नेटिस का राउटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सीरियल नंबर। तो ये देखिए, नेटिस का राउटर है। मॉडल नंबर है इसका WF2412, और 150 Mbps की स्पीड है इसकी, और ये MAC ID है इसकी, और सीरियल नंबर है। तो ये सारा कुछ है दे रखा है इसमें। तो ये हमारे पास राउटर है। सो इन केस यू हैव अ ब्रॉडबैंड, तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपने सिंपल एक लैन केबल यहाँ से लेके DVR में अटैच कर देनी है और आपका DVR ऑनलाइन हो जाएगा। बट इन केस यू डोंट हैव अ ब्रॉडबैंड सिस्टम, तो आपने क्या करना है, एक जियो का हॉटस्पॉट लेना है। उस हॉटस्पॉट को इस राउटर से, एक अलग से आपको एक्स्ट्रा राउटर लेना पड़ेगा। चाहे वो अभी जैसे मैंने नेटिस का लिया है, तो आप नेटिस का भी ले सकते हो, D-Link का ले सकते हो, टेंडा का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, या TP-Link का ले सकते हो। तो उस राउटर को एज अ रेंज एक्सटेंडर यूज़ करेंगे आप। तो वो जो वाईफाई आपका जियो का हॉटस्पॉट दे रहा है, वो ये राउटर उस वाईफाई को सेंस करेगा, और उस वाईफाई को एज अ रेंज एक्सटेंडर यूज़ करके लैन पोर्ट के थ्रू आपके DVR के लैन पोर्ट को सप्लाई कर देगा, जिससे आपका DVR ऑनलाइन हो जाएगा। तो फिलहाल हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कनेक्ट करते हैं अपने जो हमारे पास जियो का हॉटस्पॉट है उसके साथ, और उसके बाद इसको लैन केबल के थ्रू DVR को देंगे और चेक करेंगे कि हमारा DVR है जो वो ऑनलाइन होता है या नहीं होता है। सो लेट्स सी। सो गाइज, हमने अपने नेटिस को पावर दे दिया है, और हमारे पास एक लैन केबल भी है। तो इस लैन केबल को हम कनेक्ट करेंगे इसके पोर्ट से, और जो इसका दूसरा सिरा है वायर का, इसको हम करेंगे DVR से कनेक्ट। तो मैं DVR आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए। सो गाइस, दूसरा सिरा ये देखिए, हमारे पास ये लैन पोर्ट है यहाँ पर। तो इस पोर्ट से हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, तो ये देखिए। सो एक कनेक्टर को हमने राउटर से कनेक्ट कर दिया है लैन केबल के, और दूसरे कनेक्टर को हमने DVR से कनेक्ट कर दिया है। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है। तो आपने ये सिंपल सा एक केबल कनेक्ट कर दिया राउटर से और आपके DVR से। तो अभी हमने क्या करना है, एज अ रेंज एक्सटेंडर इस नेटिस के राउटर को यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रीसेट करना पड़ेगा अपने राउटर को। तो रीसेट बटन देखिए इसका यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इस रीसेट बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे। तो गाइस, अभी हमने इस राउटर को रीसेट कर दिया है। तो राउटर को रीसेट करने के बाद हम अपने फ़ोन से इस राउटर को कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा जियो का वाईफाई है या जो भी ब्रॉडबैंड का हमारे पास वाईफाई सिग्नल आ रहा है, उस वाईफाई सिग्नल को इस राउटर से कनेक्ट करेंगे। तो गाइस, अभी हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने राउटर को कनेक्ट करना है अपने फ़ोन के साथ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वायरलेस में जाना है। वायरलेस में जाने के बाद हमने चेक करना है कि हमारा राउटर किस नाम से आ रहा है। तो हमारा Knet Home के नाम से आ रहा है, तो Knet Home पे क्लिक करना है। तो जैसे Knet Home पे क्लिक करेंगे, वो पासवर्ड मांगेगा, तो आपने पासवर्ड डाल देना है। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया, जो कि पहले से ही हमारे पास पासवर्ड था। तो ये देखिए, कनेक्टेड आ चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद जो इसका IP है, हर राउटर का एक IP होता है जो आपको राउटर के बैक साइड पर मिल जाएगा। तो ये देखिए, हमने IP डाल दिया है। तो IP डालने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह का देखिए इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपने जाना है नेटवर्क में।
तो जैसे ही आप नेटवर्क में जाएंगे, देखिए वैन टाइप में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, वैन टाइप वायर्ड और वायरलेस। तो वायर्ड तो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा जो वाईफाई है, वाईफाई के थ्रू हम इससे कनेक्ट होंगे, तो हम वायरलेस पे जाएंगे। तो वायरलेस में जाने के बाद एपी स्कैन आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे राउटर को जो हमारे पास जियो का हॉटस्पॉट है या दूसरा राउटर, उसको इस राउटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इस वाले राउटर के साथ। ये देखिए, तो इस राउटर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपी स्कैन में जाना पड़ेगा, और ताकि जो हमारा वाईफाई वाला जो वायरलेस, जो हमारे पास जहाँ से हमारे पास नेट आ रहा है, उस नेट को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये देखिए, सबसे पहले ई नेट होम के नाम से हमारे पास, तो ई नेट होम को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद नीचे कनेक्ट का ऑप्शन है। तो अब ये पासवर्ड मांगेगा, तो हमने पासवर्ड पहले ही डाला हुआ है ई नेट, तो उसको हम सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव करते हैं, देखिए सेव सक्सेसफुली आ चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई वेबसाइट इसमें खोल कर देखेंगे। तो गाइज ये देखिए, हमारा नेट चल चुका है। तो हमारा जो राउटर है वो वायरलेसली जो हॉटस्पॉट है हमारा, उससे कनेक्ट हो चुका है। तो हमारे पास नेट आ चुका है। तो अब हमारे पास नेट आ चुका है, तो हमने पहले ही जो हमारा राउटर है उसको हमने अपने डीवीआर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट सेटिंग के लिए हम अपने डीवीआर में चलेंगे और देखेंगे कैसे इसकी सेटिंग करनी है और कैसे इसको ऑनलाइन करना है। सो गाइज, अभी हम अपनी मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमने क्या किया, राउटर को अपने डीवीआर के साथ कनेक्ट कर दिया है और नेट इंटरनेट डीवीआर एक्सेस करना स्टार्ट कर चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, मेन मेन्यू के अंदर जाना है। मेन मेन्यू के अंदर जाके हमने पासवर्ड डालना है और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमने नेटवर्क में जाना है, और सबसे पहले देखिए जर्नल का ऑप्शन आएगा है नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, DHCP को इनेबल करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म एक्सेस में जाना है, प्लेटफॉर्म एक्सेस में इनेबल करना है इसको, और वेरिफिकेशन कोड क्रिएट करना है। देखिए वेरिफिकेशन कोड का क्या फ़ायदा है, वेरिफिकेशन कोड का फ़ायदा है इससे आपकी सिक्योरिटी डबल हो जाती है। अगर किसी के पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चला जाता है, तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा आपके कैमरे को इजीली एक्सेस कर पाएगा। बट इन केस उसके पास वेरिफिकेशन कोड नहीं है और आपने यहाँ पर अनेबल एनक्रिप्शन किया हुआ है, तो उस केस में आपका वो जो आपके कैमरे है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, डबल सिक्योरिटी बन जाती है। तो आप कोई भी वेरिफिकेशन कोड क्रिएट कर सकते हैं रैंडमली, ये हमने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ओके। और यहाँ पर देखिए, उसके बाद अनेबल स्ट्रीम एनक्रिप्शन है। अनेबल स्ट्रीम एनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई नया यूज़र हिक कनेक्ट को एक्सेस करेगा और आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एंटर करेगा, तो उसके बाद वो हमेशा वेरिफिकेशन कोड पूछेगा नए यूज़र के लिए। तो इसको आप अनेबल कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद हम बाहर आएंगे और चेक करेंगे कि हमारा DVR ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए, हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका है। सो डैट वॉज द सेटिंग, ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाएंगे, हिक कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अभी हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने हिक कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले एक कंट्री का ऑप्शन आता है, तो हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन करने से पहले हम एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो हम सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई अभी यूज़र नेम है और ना ही पासवर्ड है। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा फ़ोन नंबर होगा। तो हम फ़ोन नंबर एंटर कर देंगे, और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद एक OTP आएगा हमारे पास। सो गाइज, हमारे पास एक OTP आ चुका है, तो हम इस OTP को एंटर करेंगे। तो अब ये पासवर्ड का ऑप्शन पूछेगा, तो हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, देखिए अभी हमारे पास ऐड का ऑप्शन है, ऐड डिवाइस का। तो हम इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और इसको अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे। सो ये देखिए, हमारे पास एक QR कोड का ऑप्शन आ चुका है, तो हम QR कोड को स्कैन करेंगे, जो कि DVR में ऑलरेडी है। तो उससे क्या होगा, हमारा DVR इस ऐप के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है, एक तो QR कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, और दूसरा हम मैनुअली भी जो सीरियल नंबर है वो एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेन का निशान है, तो इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास सीरियल नंबर हम मैनुअली एंटर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम QR कोड को स्कैन करेंगे।
तो हमने देखिए क्यूआर कोड स्कैन कर लिया है और डीवीआर हमारे पास ऐड हो चुका है इस ऐप में। ये देखिए एडिंग कंप्लीट का ऑप्शन आ चुका है, तो उसके बाद हम इसमें एडिट कर सकते हैं, कोई भी नाम इसमें डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे घर का ही है ये, तो मैं होम डाल देता हूँ इसमें और इसको हम आस्क में लेटर कर देंगे। तो अभी हम होम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे कैमरे ऑन हो चुके हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था कि कैसे आपने अपने कैमरों को ऐड करना है हिक कनेक्ट ऐप में। तो ये ऐप में हमारे ऐड हो चुके हैं और हम इसे कहीं भी देख सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ आप चाहो वहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हो। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मैंने आपको 4 मेथड बताए ऑनलाइन करने के DVR को, तो नेक्स्ट मेथड आपको कल के वीडियो में मिलेगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट आपको परसों के वीडियो में। तो वन बाय वन मैं ये चारों मेथड क्लियर करूंगा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।